हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शिल्पास किचन। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी यमी चटपट बनने वाली आलू बैंगन की सब्जी। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में पहले 3 चम्मच तेल कुकिंग ऑयल ऐड किया है, 2 चम्मच जीरा हम ऐड करेंगे, 1 चम्मच राई, 1 छोटा पिंच हींग, 1 मीडियम प्याज पहले बारीक कटा हुआ किया है मैंने, और बाकी का आधा मैंने जो है इसे लंबा काट लिया है। तो इसे ऐड कर हम अच्छे से चला लेते हैं। 30 to 40 seconds ट्रांसलूसेंट होने तक हमें इसे जो है चला लेना है। अब मैं इसमें अगला इंग्रेडिएंट ऐड करने वाली हूँ, वो है हमारे पोटैटो। ये मैंने इसे जो है लंबा काट लिया है, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए अब हम अगला इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं, 1/2 चम्मच हल्दी, तो इसे भी एक क्विक मिक्स दे देते हैं। तो इसे मिक्स होने के बाद अब हम अगला इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे हमारा, तो वो है एक, यहाँ पे मैंने करीबन 250 ग्राम जो है बैंगन लिया हुआ है, ये भी मैंने लंबे काट के रखे हुए हैं अच्छे से वॉश करके। तो टिप ऑफ द डे ये है कि आप जब बैंगन काटते हैं तो उसे पानी में भिगो कर रखिएगा, तो ब्लैक नहीं होता है। तो चलिए अब हम इसे भी जो है अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आपको हाथ चलाते रहना है और आँच जो है वो मीडियम रखना है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। हाँ, पानी आप यहाँ पे ऑप्शनल है, आप चाहे तो अगर ग्रेवी चाहते हैं तो पानी ऐड कीजिएगा, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। तो आँच को देखिए मैंने धीमे रखा हुआ है। अब हम जो है इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच नमक, आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। मिक्स करना है हमें फिर से। तो हमें मिक्स करने का रीज़न ये है कि ताकि वो जो है कढ़ाई से चिपके ना। गरम मसाला 1 चम्मच, इसे भी हम अच्छे से चला लेते हैं। अब हम अगला इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं। आपको मिक्सिंग करते रहना है जैसे मैंने कहा, ताकि ये तले पे ना जले। तो देखिए आपके जो करीबन जो है 1 मिनट के बाद अगर आप चेक करेंगे तो आलू जो है ऑलमोस्ट पक चुके होंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 नींबू के आकार का गुड़, 1 चम्मच दरदरा पीसा हुआ मूँगफली का पाउडर। तो चलिए इसे मिक्स दे देते हैं। तो हमारी सब्जी ऑलमोस्ट जो है 5 मिनट में तैयार हो जाती है। अब हम आखिर में डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप चाहे तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं स्वाद अनुसार। तो देखिए मैं थोड़ी सी ग्रेवी में जो है पानी जो है मैं रहने देने वाली हूँ, आप चाहे तो और ज़्यादा गाढ़ा चाहते हो तो आप और 1-2 मिनट कुक कर लीजिए। तो चलिए लास्ट में थोड़ा सा हम धनिया मिक्स करके अच्छे से मिक्स दे देते हैं। तो ऑलमोस्ट देखिए तैयार है हमारी सब्जी। तो चलिए अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारी गर्मा गर्म आलू बैंगन की सब्जी। गार्निश कीजिए धनिया के साथ, एंजॉय कीजिए रोटी सब्जी चावल के साथ। तो फ्रेंड्स, होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी क्विक ईजी टेस्टी हेल्दी यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।